करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की और उड़द की दाल। मैंने छिलके वाली उड़द की दाल ली है। मैंने ये वाले 2 कप दाल ली है, 1 कप चने की और 1 कप उड़द की। इसमें 250 ग्राम दाल आ गई है। दोनों को मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था जिससे ये फूल गई है। और ऑयल चाहिए हमें दाल बनाने के लिए। दाल बनने के बाद हम राई का छौंक देंगे। 2 मिर्च ली है मैंने, बारीक काट ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और हींग ली है, 1 टमाटर लिया है, 1 तेज पत्ता लिया है, 2 प्याज लिए है जिनको बारीक काट लिया है। मसालों में हमें चाहिए जीरा, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार और लाल मिर्च पाउडर। गैस को ऑन करेंगे। कढ़ाई को अच्छे से, सॉरी कुकर को अच्छे से गर्म होने देंगे। कुकर हमारा गर्म हो गया। ऑयल डालेंगे इसके अंदर। 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालना है हमें। देखिए गैस तेल हमारा गर्म हो गया। जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, एक चुटकी। ये तेज पत्ता भी डाल देंगे। लाल होने देंगे जीरे को। देखिए फ्रेंड्स जीरा हमारा लाल हो गया है। अब हम प्याज डाल देंगे, बारीक काट रखा था। प्याज का ब्राउन करेंगे, प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे। हल्का ब्राउन करने के लिए मैं डायरेक्टली दाल बना रही हूँ, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और दाल के अंदर अच्छे से मसाले मिल जाएंगे और दाल टेस्ट भी बनेगी। हल्का ब्राउन करना है हमें दाल को, प्याज को। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। हरी मिर्ची डाल देंगे बारीक कटी हुई, इसको भी सॉफ्ट होने तक पकाएंगे हम। देखिए हल्की से सॉफ्ट हो जाएगा, तब तक पकाना है हमें, 1 मिनट तक पकाना है हमें मिर्ची को। अब 1 टमाटर लिया था जो मैंने काट लिया था, वो डाल देंगे। हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है टमाटर। अब ये लहसुन डाल देंगे जो हमने कूट लिया था, लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको मिक्स कर देंगे। हमें मसालों को अच्छे से भूनना है जिससे कि हमारी दाल टेस्टी बने। ये दाल खाने में बहुत स्वाद बनती है। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 2 चम्मच मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, नमक स्वाद के अनुसार और लाल मिर्च डाल रही हूँ 2 चम्मच। अब 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है और इसी के साथ हम ये गरम मसाला डाल देंगे 1 चम्मच। थोड़ा सा पानी डालेंगे। मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनना है मसालों को 2 से 3 मिनट तक। गैस में 1/2 चम्मच काली मिर्च डाल दूँ, छोटे वाला 1/2 चम्मच डाल दूँ। आप अगर तीखा कम खाते हैं तो काली मिर्च ना डालें। काली मिर्च से काफी अच्छा टेस्ट हो जाता है दाल का।
और दाल तो चटपटी भी अच्छी लगती है, पर कई लोग जो है वो कम खाते हैं, इसलिए वो एक हरी मिर्च डालें और एक ही चम्मच लाल मिर्च डालें, मैंने दो डाले हैं, और काली मिर्च एक चौथाई चम्मच डाल सकते हैं, जिससे ये सभी चीजों का अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मसाला हमारा भून चुका है, अब हम इसमें दाल डालेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे, पहले उड़द की दाल डाल देंगे, छिलके वाली उड़द की दाल ली है मैंने। अब ये चने की दाल डाल देंगे। मिक्स कर देंगे। मसालों में अच्छे से मिक्स कर देना दाल को। अब हम पानी डालेंगे एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास और ये चार गिलास। चार गिलास मैंने ये वाले चार गिलास पानी डाले हैं। आप दाल को गाढ़ा या पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने जो पानी डाला है इससे ना तो दाल गाढ़ी होगी और ना ही ज्यादा पतली होगी। अब हम इसे तीन सीटी लगवाएंगे। मीडियम फ्लेम पे गैस को करके हम तीन सीटी लगवाएंगे इसे। देखिए फ्रेंड्स, तीन सीटी लग चुकी है। अब हम दाल को देखेंगे, हमारी दाल बनी है या नहीं। देखिए हमारी दाल बन चुकी है, ये काफी अच्छी दाल बनी है। अगर आप इसको थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें गर्म पानी करके डाल दीजिए, ठंडा पानी ना डालें, नहीं तो दाल का टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। अब हम इसे तड़का लगाएंगे और इसे सर्विंग बाउल में भी निकालेंगे। फ्रेंड्स, हम पहले धनिया पत्ता डाल देंगे इसके अंदर। मैंने धनिया पत्ता बताया भी था, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए। धनिया पत्ता हो तो जरूर डालें, मिक्स कर देंगे। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे तड़का देंगे। मैंने पैन रख दिया है गैस पे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, एक छोटा चम्मच। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हींग डाल देंगे एक चुटकी, थोड़ी सी राई डाल देंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे, लाल मिर्ची। अब इसे मिक्स कर देंगे। हमारी दाल काफी अच्छी बनी है और काफी टेस्टी बनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल काफी अच्छी बनी है और टेस्टी बनी है। आप एक और घर में जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।